Hello guys, welcome back to my channel, myself Isha Slathia and I hope you all are good. So, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि IV cannula कैसे लगाएं। IV cannula लगाने के लिए हमें चाहिए IV cannula, जो कि मैंने use किया है वो है 22 number, और साथ में चाहिए bandage, antiseptic solution और cotton. कैनुला डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के होते हैं, बट जो मैंने यूज़ किया है वो है 22 नंबर. सो कैनुला लगाते समय हमें पेशेंट को बोलना है कि अपने थंब को अंदर की तरफ फोल्ड करके अपना मुट्ठी जो है वो अच्छे से टाइटली बंद करना है, ताकि हमें जो वेन है वो प्रॉपर विजुअल हो सके और उसके आर्म को अच्छे से ऊपर से टाइट करना है, ताकि वेन हमें अच्छे से दिख पाए. और हमें जिस एरिया पे कैनुला लगाना है उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना है, और फिर हमें कैनुला को ओपन करना है. और कैनुला लगाते समय हमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो पेशेंट के स्किन है, जिस एरिया पे हम कैनुला लगा रहे हैं, स्किन हमेशा टाइट रहे, ताकि जो निडल है वो अच्छे से अंदर को इंसर्ट हो जाए. स्किन को अच्छे से टाइट करके खींच के कैनुला को वेन के अंदर इंसर्ट करना है, और पीछे से निडल को उसको बाहर की तरफ निकाल के ये देखना है कि उसमें ब्लड आ रहा है कि नहीं. अगर उसमें ब्लड आ रहा है तो हमें उसको कैप कर देना है. कैप करने के बाद हमें कैनुला को अच्छे से फिक्स कर देना है, और ये चेक करने के लिए कि कैनुला हमारा अच्छे से लगा है कि नहीं, हमें उसके लिए एक बार कैनुला में अच्छे से फ्लश दे देना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कैनुला जो है वो प्रॉपर फिक्स्ड हुआ है कि नहीं. अगर फ्लूइड हमारा अच्छे से अंदर जा रहा होगा तो इट मीन्स हमारा कैनुला अच्छे से लग गया है. तो कैनुला लगाने के बाद फिर हमें उसको बैंडेज की हेल्प से अच्छे से कवर कर देना है, ताकि जो कैनुला है वो हिले ना और प्रॉपर फिक्स्ड रहे. आई होप यू लाइक्ड इट. इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल.